तो जनाब, पिछली एपिसोड में आपने देखा कि मैं आपको लेकर आया सेवन शरीफ। सेवन शरीफ में मैंने आपको रोज़ा हज़रत लाल शाहबाज कलंदर का दिखाया। उसके बाद मैंने आपको सेवन शरीफ में ही पोदला बहार और फिर उल्टी बस्ती दिखाई। सेवन शरीफ से लगभग 45 से 40 किलोमीटर के फासले पर दो ऐसे चश्मे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मौला अली मुश्किल कुशा के दौर के चश्मे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। लाल बाग की तरफ जाने वाला रास्ता ही आपको इन चश्मों की जानिब ले जाता है। यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर सफ़र करने पर आपको एक बोर्ड नज़र आता है जिसके ऊपर वाजे नज़र आता है बाग पंचतन और मौला अली मुश्किल कुशा का कुआँ। पहला कुआँ यहीं पर ही है। जब आप इस कुएं पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र एक आलीशान बाग के ऊपर पड़ती है। कहा जाता है कि यहाँ मौला अली के बैठने यानी कचहरी की जगह भी थी। मौला अली अपने फैसले यहाँ करते थे। लोगों के बैठने के लिए इस बाग के अलावा और कोई अच्छी जगह ही नहीं। इस बाग की आबादी और साथ साथ नीचे जो इलाका पूरा हरा भरा है, इसकी वजह सिर्फ यही मौला अली के चश्मे का पानी ही है। चलिए, अब हम आपको ले जा रहे हैं चश्मे की तरफ। बाग और चश्मे के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का फासला है। तो जनाब, ये है चश्मा जहाँ से पानी निकलता है, रहमतों और बरकतों वाला पानी जिसको यहाँ से निकलते कई सदियाँ गुजर गई, लेकिन ये वैसे का वैसा ही है। ये चश्मा विज़िट करवाने के बाद अब हम आपको ले जा रहे हैं दूसरे चश्मे की जानिब। अब दूसरा चश्मा और इस चश्मे के दरमियान 7 से 8 किलोमीटर का फासला है। ये फासला 10 से 15 मिनट के फासले पर ही है।
अच्छा तो जनाब अब हम पहुंच गए हैं बोर्ड पे। अच्छा, इस तरफ है गाजिशा और इस तरफ है नईग शरीफ। चश्मा जो है वो नईग शरीफ पे है, गाजिशा पे जो है दरगाह है, लेकिन वहाँ इस वक्त हम नहीं जाएंगे। गाजिशा अगर आपको विज़िट करनी है तो ऊपर इस तरफ लिंक आ गया है, इसको आप प्रेस करके मेला गाजिशा विज़िट कर सकते हैं, जिसकी लोग मैंने पहले ही बनाई हुई है। तो जनाब अब हम पहुंच गए हैं नईग शरीफ के शहर पे। यहाँ भी पहले एक छोटा सा बाग है, उस बाग में से वही पानी उसी तरह से बह रहा है। इस पानी में बड़ा ही स्पीड है, करामत वाले पानी में। दूसरी जानब सैयद हजरात की कब्रें हैं यहाँ पे। अब हम आपको ले जा रहे हैं इस चश्मे को दिखाने। मीठी मानी जब आप चश्मा विजिट कर रहे होते हैं तो चश्मे के बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर से सामने दूसरी पहाड़ी पे एक और पुरानी महल जैसा बना हुआ नजर आता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये लखमीर जो किसी टाइम में यहाँ का बादशाह था उसकी माड़ी है, यानी लखमीर जी माड़ी। इसके कहने का मकसद है लखमीर का महल। ये उसी जमाने में उसी दौर का बादशाह था। कहा जा रहा है कि बहुत ही जालिम बादशाह था। जब मौला अली आए तो आपने इस बादशाह को भगाया और यहाँ लोगों को बसा। तो जनाब उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की जानिब। इस वीडियो को लाइक करें, कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।